नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई। दरअसल इंडिया अलायंस की चौथी बैठक हुई थी 19 दिसंबर को और अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं कि एक बड़ी खबर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई बाहर आ रही है। दरअसल ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ अलायंस करने के लिए दिल्ली में तो तैयार है, लेकिन पंजाब में लोकसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ किसी गठबंधन के लिए तैयार नहीं है। जी हां, इंडिया अलायंस की चौथी बैठक हुई थी दिल्ली में अशोका होटल में और ये बैठक 19 दिसंबर को हुई थी। उस बैठक में अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, उस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे, उस बैठक में राहुल गांधी थे, सोनिया गांधी थी, तमाम कांग्रेस के कई लीडर्स थे और वो 28 दल भी शामिल हुए थे जो इस इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। लेकिन इस बैठक के खत्म होने के बाद अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं रुके और वो निकल गए होटल से। पूछा कि क्या सीट शेयरिंग को लेकर कुछ फैसला हुआ है, कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया गया। वो क्लिप भी देख लीजिए। सर क्या रहा मीटिंग के अंदर क्या डिसाइड किया गया है? सर अच्छा रहा, अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। कन्वीनर को लेकर सर कोई चुना गया? कन्वीनर को लेकर कोई बात हुई? नहीं अभी। सर आप दिल्ली में आप एक बड़े नेता हैं सर, कांग्रेस के साथ कैसे आपका समझौता तय होगा सर? लेकिन अब ये खबर आ रही है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए तैयार नहीं है। इस बीच अरविंद केजरीवाल रवाना हो चुके हैं विपासना केंद्र में जाने के लिए। वो 10 दिन के लिए विपासना केंद्र में रहेंगे, वहाँ वो अपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। 30 दिसंबर तक अरविंद केजरीवाल विपासना में रहेंगे और उसके बाद जब वो बाहर आएंगे विपासना केंद्र से, उसके बाद ही ये माना जा रहा है कि कोई बातचीत अब सीट शेयरिंग को लेकर आगे बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल अब तक जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि दिल्ली में जो 7 सीटें हैं लोकसभा की, उसके लिए तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ अलायंस करने के लिए तैयार है, लेकिन जो पंजाब में 13 सीटें हैं लोकसभा की, वहाँ पर आम आदमी पार्टी फिलहाल कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं चाहती है। जो अगर पंजाब की बात करें तो हमने बीते दिनों कई बयान भी सुने जिसमें आम आदमी पार्टी के कुछ स्थानीय नेता थे पंजाब के, और वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के भी पंजाब के जो स्थानीय नेता हैं उनके भी स्टेटमेंट थे और लगातार उन बयानों में ये समझ आ रहा था कि तनाव दोनों ही दलों के बीच काफ़ी ज़्यादा है और कोई भी अलायंस करने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। और बार बार इन स्थानीय नेताओं के द्वारा यही कहा जा रहा था कि 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी हम कर रहे हैं, 13 की 13 सीटें हम जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे, कोई गठबंधन नहीं करेंगे। और वैसी ही खबर अब इंडिया अलायंस की चौथी बैठक के बाद अगले ही दिन सामने आ रही है जिसमें सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि कोई अलायंस पंजाब में करने के लिए फिलहाल आम आदमी पार्टी तैयार नहीं है। औपचारिक बयान का इस पूरी खबर पर इंतजार करेंगे और देखना होगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।